देश में दो काल चल रहे हैं, एक चल रहा है अमृत काल, दूसरा चल रहा है संकट काल। अमृत काल माननीय प्रधानमंत्री का कहना है कि अमृत काल चल रहा है, आम जनता का कहना है कि संकट काल चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री और भाजपाई इसलिए अमृत काल का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, और जब सत्ता का सुख भोग रहे हैं तो जाहिर सी बात है अमृत काल चल रहा है। जनता इसलिए संकट काल कह रही है क्योंकि उनको महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। किसान के लिए संकट काल इसलिए चल रहा है कि उनकी जो लागत है वो भी उनको नहीं मिल पा रहा है। छात्रों के लिए संकट काल इसलिए चल रहा है, नौजवानों के लिए, क्योंकि वो नौकरी के लिए परेशान है और नौकरी हमारे देश में कहीं भी दूर दूर तक अता पता है नहीं। बिजली का भी संकट काल चालू हो गया है, और एक न्यूज चैनल अभी देखने को मिलता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, नव भारत टाइम्स करके, जो पेपर हुआ करता था उसका एक पोर्टल अब चालू हुआ है, और उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टी को कमियां निकालना, उनको लताड़ना और सरकार के पक्ष में सारी बातें करना। ये उनका एक, ये पत्रकार हैं और ये पत्रकारिता करते हैं, मतलब पत्रकारिता क्या करते हैं, ये सरकार की चाटुकारिता करते हैं और उद्योगपतियों की चाटुकारिता करते हैं। मैं इनका कई दिनों से नोट के, ये पेट्रोल डीजल के ऊपर उनकी बातें सुन रहा था। सभी राज्यों के ऊपर ये, खास तौर से विपक्षी जो राज्य हैं, पंजाब हुआ, दिल्ली हुआ, कई राज्य हैं ऐसे, वहां का ये देते हैं कि ये राज्य सरकारें वैट क्यों नहीं घटाती है। अरे भाई, किसने तुमको पत्रकार बनाया? तुम सरकार से यदि देश के अंदर सारी चीजें जीएसटी के अंदर में है तो पेट्रोल डीजल जीएसटी के अंदर में क्यों नहीं केंद्र सरकार ने अभी तक लाया है? क्योंकि बैट के माध्यम से 100% लूटने में मिल रहा है, तो उसका फायदा राज्य सरकारें भी उठा रही हैं। सरकार की जवाबदेही है कि यदि एक एक वस्तु भारत के अंदर जीएसटी के दायरे में है और अधिकतम टैक्स 28% है जीएसटी का, तो 28% यदि सरकार जीएसटी के दायरे में लाके डीजल पेट्रोल पे लेगी तो ऑटोमेटिक है 40-45 रुपए डीजल पेट्रोल बिकेगा। क्यों बे मूर्ख पत्रकार, ये तेरे पास अकल नहीं है? किसने तुझे पत्रकार बनाया? ये सरकार कौन तेरा, ये सवाल कौन तेरा बाप पूछेगा सरकार से? ये तेरा ही कर्तव्य बनता है एक पत्रकार के नाते, और चाटुकार है तो तू नहीं पूछेगा। जब एक दो पहिया वाहन के ऊपर सरकार 28% जीएसटी लाती है, मतलब लेती है आम जनता से, गरीब मिडिल क्लास इन व्यक्तियों से, और जिनके पास चार चक्का गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, उनसे 5% का टैक्स लेती है, तो ये सवाल कौन तेरा बाप पूछेगा? पत्रकार पत्रकारिता करता है कि चाटुकारिता करता है? किसान हमारा देश का कंगाल हो रहा है और उद्योगपति माला माल हो रहे हैं, ये सवाल कौन तेरा बाप पूछेगा सरकार से? अभी बिजली संकट के ऊपर इस चमन चूतिया पत्रकार का मैं सवाल, क्वेश्चन सुन रहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनको घाटा लग रहा है बिजलियों से। किसने कहा, किसने कहा तेरे से कि उनको घाटा लग रहा है? अगर उनको घाटा लग रहा है तो उनकी संपत्ति दिन दुगुना रात चौगुना कैसे बढ़ रही है? देश का आम नागरिक गरीब से गरीब होता जा रहा है और देश का उद्योगपति दिन दुगुना रात चौगुना
जरा गौतम अडानी का ही इतिहास उठा के देख ले, 8 साल पहले क्या था, एशिया का नंबर 1 व्यापारी बन गया। कैसे बन गया ये सवाल कौन पूछेगा? चंद रुपए तुम लोग की जेब में डल जाते हैं, चाटुकारिता पे उतर जाते हो। देश हमारा संकट काल से गुजर रहा है, जाहिर सी बात है, जो 70 साल में महंगाई नहीं बढ़ी वो 8 सालों में महंगाई बढ़ी, तो ऐसी सरकार को हम क्या चाटेंगे, क्या करेंगे? सरकार के पास कोई काम नहीं बच गया है केवल हिंदू मुसलमान के अलावा, और कुछ मूर्ख अंधभक्त, अरे अंधभक्त का मतलब ही मूर्ख हुआ ना, वकलमंद तो कहीं से हुए नहीं। अंधभक्त किसको कहते हैं? जिसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है उसे ही अंधभक्त कहते हैं, जिसके पास ज्ञान नाम की चीज नहीं है उसे अंधभक्त कहते हैं। क्योंकि जैसे तालिबान, जानते हो ना, तालिबान तो बहुत अच्छी तरह से भारत का एक एक नागरिक जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, कैसे वो जहर भरते हैं आतंक फैलाने के लिए उनके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर छोटे छोटे बच्चों के, उसी तरह से एक भारत के अंदर आरएसएस संगठन है वो भी, और भारतीय जनता पार्टी भी, ये दोनों संगठन जो है नवयुवकों को उनके दिमाग में नफरत भर रहे हैं, जहर भर रहे हैं। और रिजल्ट क्या है तालिबान का, ये अफगानिस्तान का, जरा इतिहास उठा के देख लो क्या हाल हुआ है उस देश का। आतंक फैला के कोई देश तरक्की नहीं कर सकता है, यही देश को बनाना चाह रहे हो। अभी कल देखा मैंने एक बजरंग दल है, तो सारे संगठन ये भाजपा के ही, चाहे कोई भी दल नाम रख लें, चाहे बजरंग दल नाम रख लें, युवा वाहिनी रख लें, जो भी ये रखना है रख लें, लेकिन है सारे ये ताना बाना जो भी है इनका आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से ही चालू होता है। तो ये तमाम तरह की संगठन बना बना के ये चैलेंज कर रहे हैं कि हम देश के अंदर मुसलमानों का खात्मा कर देंगे। संभव है? तुम्हारे बाप ने भी कभी किया? क्या करोगे? तुम 2 को मारोगे तो वो भी 4 को मारेगा, तुम वो 4 को मारेंगे तुम 10 को मारोगे, उससे होगा क्या देश का, क्या हासिल करोगे? नेता मरेगा? कोई नेता नहीं मरेगा, एक भी, कोई टुच्चा मुच्चा कहीं मर गया, एक आध तो मर गया, वो तो सारे एयर कंडीशन की हवा खाएंगे, मजा लेंगे, शाम में दारू का, बियर का, मुर्गे का, माछ मछली का, टीवी पे देखेंगे कि कैसे हमारे भक्त लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वो तो आनंद लेंगे। तुम क्या लोगे? तुम क्या लोगे? और एक चमन चूतिया कल कह रहा था फेसबुक पे मुझे लिख के कि 17 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, क्या उखाड़ रहे हो 17 करोड़ मिलके? अरे अभी उत्तर प्रदेश में यही पता थोड़ा सा सस्पेंस में हो गया था कि योगी आदित्यनाथ हार रहा है, तो सारे चूहे के बिल में घुस गए थे ये 17 करोड़। जब तक मोदी है तब तक ही तुम हो, उसके बाद कौन से चूहे के बिल में तुम कहां घुस जाओगे कोई पता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो यही देखते आए हैं। मैं भी बच्चे से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ, देख रहा हूं बड़ी गहरी राजनीतिक देख रहा हूं। और ये राजनीति क्या है? ये देश को तोड़ने की, देश को बर्बाद करने का एक संकल्प अंधभक्तों ने लिया है। और इस संकल्प ऐसे, जब भी भारत में एक चीज तो होगा, जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा इस अमृत काल का, तो इसमें अंधभक्तों की भी एक अहम भूमिका रहेगी कि अंधभक्तों ने मूर्खता की एक प्रमाण दिया। ऐसे भी मूर्ख भारत में पैदा हुए जिनके पास कोई सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, और उन्होंने देश की बर्बादी में एक बहुत बड़ा योगदान किया। जैसे हिटलर के विषय में तो जानते हो ना,
हिटलर ने ही खूब फेंक फेंक के पब्लिक को बेवकूफ बनाया, नरेंद्र मोदी भी खूब फेंक फेंक के अंधभक्तों को मूर्ख बना रहा है और वो अंधभक्त बनते जा रहे हैं। रिजल्ट क्या मिला जर्मनी का? विश्व युद्ध हुआ, यही हुआ ना। कितने करोड़ों आदमी मारे गए, क्या हासिल किया जर्मनी ने? क्या हासिल किया? हिटलर कुत्ते की मौत, खुद मर गया। आग लगाने से कुछ बेहतर नहीं होता, आग लगाने से चिंगारी भड़कती है, तो जो चिंगारी भड़काने का काम कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट, अरे महाभारत ही देख लो। चलो दूसरे धर्म की बात छोड़ दो, यही भरम था कौरव को कि हम 100 भाई हैं और 5 पांडु। धर्म युद्ध की विषय में सोच लो क्या हाल है, सर्वनाश हुआ दोनों पक्षों का। तो सोचो, अभी भी वक्त है, वक्त रहते समझ जाओगे तो देश का भला होगा, नहीं तो तुम लोग ने तो प्रतिज्ञा ले ही रखा है कि हम देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो अब ये सोचना है कि देश को संकट काल से उबारना है, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो अमृत काल का आनंद ले रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे भाई? 200 करोड़ से प्रत्येक दिन ज्यादा की उड़ाई करते हैं, उड़ाई मतलब समझ रहे हो ना, 163 करोड़ तो सिर्फ उनकी सुरक्षा पे खर्च होता है, हजारों करोड़ रुपया वो अपने विज्ञापन पे खर्च करते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जहां देखो। तो उनके लिए तो अमृतकाल वास्तव में चल रहा है। और एक बात और, अंधभक्तों के लिए भी है, आम नागरिक के लिए भी है। मोदी जी कहा करते थे, और उनका एक विज्ञापन 2014 में चला करता था चुनाव से पहले, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। इस विज्ञापन का कभी किसी ने मतलब निकाला? 100 में 100% सत्य ये विज्ञापन था, अच्छे दिन आने वाले हैं। जनता ने सोचा, भाई हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं? मोदी जी जान रहे थे, अंधभक्त जान रहे थे, भाजपाई जान रहे थे कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, जनता के तो बुरे दिन आने वाले हैं ही। जैसे 15-15 लाख का झांसा दिया, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार का झांसा दिया, 100 दिन में महंगाई का, अगर ये सिर्फ 3 बातें देश की जनता अपने दिमाग में डाल ले, 3 बातें हिंदुस्तान की सबसे फेंकू वाली बातें, कि 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे, महंगाई कम हुई या 100 गुनी हुई कि 10 गुनी हुई, ये तो आप जान रहे हैं। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला कि उनका रोजगार छिना, ये भी आप जान रहे हैं। अच्छे दिन भाजपाइयों के आए कि आम जनता के आए, ये भी आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। अब उसका मतलब निकल चुका है। इतना ही कहूंगा, जय हिंद, जय माता की। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन न्यूज़।